नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गौरभ स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नोवल करियर एकेडमी। आज हम HTML की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फॉर्म जनरली हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई MP ऑनलाइन से रिलेटेड कोई फॉर्म भरते हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जब कोई वैकेंसी में फिल करते हैं फॉर्म भरते हैं, या आप इवन DCA PGDCA माखनलाल से करते हैं, कोई अदर कोर्स करते हैं, तो हम एक फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब हम वेबसाइट क्रिएशन में जाते हैं, एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, तो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमें यूज़ करने के लिए। तो एक बेसिक टेम्पलेट ये दिख रहा है आप लोगों को, इतना सबको पता ही होगा, HTML लगता है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल के अंदर मैंने फॉर्म कंट्रोल पढ़ना है क्योंकि उसका वो हेडिंग लिख दिया, हेड सेक्शन को क्लोज किया, बॉडी सेक्शन को स्टार्ट किया, लास्ट में जाके बॉडी और HTML दोनों को बंद कर दिया। यहाँ से मैं फॉर्म कंट्रोल की सीधी लाइन करते हैं। अपन एक काम कर सकते हैं इसमें कि जो बॉडी कंट्रोल है हमारा, इसके अंदर हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने पढ़ा है क्या लगता है, BG कलर लगता है, कलर का नाम जो भी कलर आप देना चाहें, मैंने यहाँ पे एक्वा कलर दिया हुआ है, और हम इसका जो अलाइन होगा उसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर। क्लियर हुआ दोस्तों, इतना तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ फॉर्म कंट्रोल 3.html। इस नाम से मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर रहा हूँ। यहाँ से मेरा फॉर्म का कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखा FORM फॉर्म, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। और इसका अगर बैकग्राउंड कलर बदलना चाहें, मुझे लग रहा है फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए था, तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगेगा। ये हम कुल मिला के हमने जो CSS की वीडियो पढ़ी थी उनमें इनलाइन CSS पढ़ा था, वो ये चीज़ होता है। इसमें हमने लिखा क्या, बैकग्राउंड कलर, और मैंने बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दिया है, ग्रे दे दिया, ठीक है। और मैं इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर रहा हूँ, डबल कोट को क्लोज कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म टैग मैंने ओपन किया, इसलिए मैंने इस फॉर्म टैग को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब फॉर्म टैग में हमें रखना क्या क्या, जैसे मैं एडमिशन फॉर्म बना रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग टैग लगाया H1, इसके अंदर लिख दिया मैंने एडमिशन फॉर्म, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया, और यहाँ से जाके मैंने इस H1 टैग को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, सेव किया। चलो रन करते हुए देखते जाते हैं साथ साथ, जिससे आपको दिक्कत ना हो, समझ में आता रहा। ये मेरा प्रोग्राम है फॉर्म कंट्रोल 3, डबल क्लिक किया, ब्राउज़र ओपन होगा, आप देखेंगे इसका आउटपुट, ये सीधी सीधी लाइन आ रही है। अभी एक चीज़ और यार ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूरी विथ में फैल के आ रहा है, मुझे फॉर्म की अगर विथ वगैरह सेट करनी है या मार्जिन सेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, वो अपन अभी कर लेंगे, बाद में भी कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं, चलो थोड़ा बाद में कर लेते हैं, पहले एक दो टैब देख लेते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट नेम की, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, स्टूडेंट, पहला ब्लॉक में बना रहा हूँ स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नाम मुझे अगर लिखना है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कैसे लिखते हैं, हमने लिखा इनपुट और कौन सा एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पर, टाइप एट्रीब्यूट, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं इसलिए हमको इसको डबल कोट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, जो फील्ड हम बना रहे हैं उसका, मैंने फर्स्ट नेम के लिए क्या लिख दिया है, एफ नेम फील्ड का नाम लिख दिया, इनलाइन है, यहीं क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, सेव किया प्रोग्राम को, और अब आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आ गया स्टूडेंट नेम। तो एक फील्ड हमारी क्लियर हो गई, क्रिएट हो गई है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है कई बार यहाँ पर एक कॉलम और आ सकता है वैल्यू का, उसको हम वो भी डिसाइड करते हैं, वो डेटाबेस में जब डेटा हम फिल करेंगे उसके लिए फैच करने के लिए होगा, बहुत थोड़ा सा आगे चल के जब हम कोडिंग करेंगे तो उसमें हम उसका यूज़ कर लेंगे। अभी सिंपल अगर पेपर में हमसे पूछ रहा है कि भाई फॉर्म क्या होता है उसको समझाइए, या नॉर्मल हमको फॉर्म डिज़ाइन बस करना है, किसी को देना डिज़ाइन करके, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब इस आउटपुट में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, तो ये पूरे में फैल के दिख रहा है फॉर्म, तो इसकी विड्थ वगैरह कैसे कम करें, तो हमने यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर लगा ही दिया है, बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसकी विड्थ भी सेट करना चाह रहा था, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ WIDTH, विड्थ हो गया
कॉलन लगाऊंगा और जितने परसेंट मुझे इसकी बिट करनी है मैं यहाँ पे 40% करके देख लेता हूँ कैसा आउटपुट आता है। अगर मुझे लगेगा कि बढ़ानी है कम करनी तो हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो चलो हमारी एक चीज़ तो क्लियर हुई कि अब ये हमारा इस तरीके से शो कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फील्ड की तरफ। जैसे स्टूडेंट नेम हो गया और हमने बोला फादर्स नेम हमें अपनी नेक्स्ट फील्ड में लगाना है, हमने फादर्स नेम लिखा। यही सेम डेटा इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे टेक्स्ट और नेम जो भी उसका नाम लिखना चाहें, तो इस जगह पे मैं लिख देता हूँ फादर नेम, डबल कोट क्लोज सेमी, ये टर्मिनेट किया और ये किया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैं इसको ऐसे ही रन करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे वो दोनों चीज़ें एक ही लाइन में आ रही, क्योंकि बेथ काम है इसलिए वहाँ बना, बाकी का कंटेंट नीचे गया। मुझे ये सारा कंटेंट दूसरे लाइन में चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक टैग लगा देंगे, कौन सा बी आर टैग। बी आर किस लिए यूज़ होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए होगा। एक टैग मैं यहाँ पे भी लगा लूँगा, जब मुझे अब नेक्स्ट फील्ड लिखना था मैंने एक बी आर टैग यहाँ भी लगा दिया। अब आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमको क्या करना है, जैसे पासवर्ड फील्ड बनानी है, जैसे हम पासवर्ड टाइप करते हैं आप लोग देखते हैं स्टार स्टार लिख किया जाता है, वो फील्ड कैसे डिज़ाइन होती है। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसके अंदर जो डबल कोट में अभी हम टेक्स्ट लिख रहे थे, क्योंकि हमको पासवर्ड फील्ड बनानी है तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के बाद जो भी हम इस फील्ड का नेम देना चाहें वो नेम दे सकते हैं। मैंने पी डब्ल्यू डी पासवर्ड के लिए दिया और ये ब्रेकेट से क्लोज किया, इसको क्लोज किया और क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा दिया, क्योंकि मुझे इसको लाइन को ब्रेक करना था। अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा पासवर्ड फील्ड आ गई। आउटपुट भी साथ साथ देखते चलें, यहाँ कुछ लिख रहा हूँ देखो हो रहा है, लेकिन इस फील्ड में जब मैं लिख रहा हूँ तो देखो पासवर्ड की तरह दिख रहा है मुझे। तो ये हो गई हमारी पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड के बाद जैसे हमको एड्रेस लिखना है किसी का, तो जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस में आप देखते हैं कि बहुत फैला फैला सा दिखता है हमको, इसके लिए एड्रेस के लिए एक अलग से टैब बनाया गया हुआ है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लगाया। अब इस टेक्स्ट एरिया में दो चीज़ें होती हैं कि भाई आप उसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना लंबा हो कितना चौड़ा। जब एक टेबल क्रिएट होती है तो रो और कॉलम्स होते हैं, तो जैसे मैं इसकी बोलता हूँ कि इसकी जो रो होगी उसमें 15 लाइन या 15 डेटा तक का इतना स्पेस मुझे चाहिए, और कॉलम के लिए सी ओ एल चलता है। इसमें मुझे जितना चाहिए उतना, मैं इसमें 30 चाहिए था तो मैंने 30 लिखा, ये मैंने इसको क्लोज किया। टेक्स्ट एरिया जो होता है वो अलग से क्लोज होगा, तो ये हमने ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर लिखा टेक्स्ट एरिया और इसको क्या कर दिया यहाँ से टर्मिनेट करके हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लियर हुआ, आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। टेक्स्ट एरिया क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर बी आर टैग लगा देंगे, क्योंकि हमें लाइन ब्रेक करना है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको समझ में आया डिफरेंस क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया दिख रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं सिलेक्शन टूल आते हैं अपने पास, ऑप्शंस वाले जो हम आते हैं कि भैया सिटी हो गया लाइक ऐसे कुछ ऑप्शन अगर हमको सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करें। उसके लिए जैसे मैं सपोज करो सिटी डाल देता हूँ, मुझे सिटीज चुनना है तो सिटीज कौन कौन सी लगेंगी। सिटी का अगर डालना है तो उसके लिए हमको लगेगा सेलेक्ट। अब इस सेलेक्ट के अंदर क्या होते हैं ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट लगाया, इसके अंदर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जैसे पहला ऑप्शन मैंने बोल दिया भोपाल, ठीक है, इस ऑप्शन को मैं बंद कर देता हूं। यहां पे मेरा ऑप्शन टैब बंद हो गया। एक दूसरा ऑप्शन मुझे बनाना था तो मैं फिर से उधर ही गया और फिर मैंने वही लिखा ऑप्शन, यहाँ पर मैं इंदौर लिख देता हूँ और यहाँ से जाके मैंने इस ऑप्शन टैब को क्लोज कर दिया। और कुछ लिखना चाहें तो और कुछ भी लिख सकते हैं, जबलपुर लिखना था और यहाँ से जाके भी मैंने इस ऑप्शन टैब को क्लोज कर दिया। अब मेरा सपोज करो तीन सिटी थी, तीन सिटी का काम हो गया है, मुझे सिलेक्ट जो मैंने ओपन किया हुआ था अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आउटपुट देखता हूँ किस तरीके से बनता। तो ये आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया,
भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जो भी सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है वो बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है हमको तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, सिलेक्ट लगेगा। अब ड्रॉप डाउन के बाद मैं यहाँ भी एक GR लगा देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। ड्रॉप डाउन के बाद मेरी बात ही बारी आती है कि अगर मुझे किसी की हॉबी या ऐसा कुछ डालना है तो हॉबी वगैरह के लिए क्या होगा, सिलेक्ट मतलब वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स वगैरह क्रिएट करना। तो चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम जैसे लेते हैं कि क्या ले सकते हैं, हॉबी ले लेते हैं, चलो। अब इसमें कैसे डालेंगे आप, इसमें डालने के लिए सिंपल सा है, जैसे आपको लेना है, सपोज करें हम इसके लिए लगेगा इनपुट टाइप। अब अभी हमने देखो क्या क्या लिखा, ध्यान देना, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड चाहिए थी तो हमने टेक्स्ट लिखा, पासवर्ड चाहिए था हमने पासवर्ड लिखा, अगर हमको एड्रेस के लिए चाहिए था हमने टेक्स्ट एरिया लगाया, अगर हमको सिलेक्शन टूल के लिए चाहिए था हमने सिलेक्शन टूल लगाया, अब हमको चेक बॉक्स चाहिए तो इसके लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, इतना चेक बॉक्स फील्ड बनाया हमने। चेक बॉक्स के अंदर इसका नेम लिखा, जो भी हमें नाम देना था, सपोज करो हम मूवी के लिए दे रहे थे, हमने मूवी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, चेक बॉक्स बना दिया। अब ये तो यहाँ से वो चेक बॉक्स का एक डब्बा बॉक्स क्रिएट करके दे देगा, उसका नाम क्या लिखना चाह रहे थे आप, तो हमने किया वॉच मूवीज, ये हमारी एक फील्ड क्रिएट हो गई है। क्लियर हुआ, अब मूवीज तो आ गया है। अब मूवीज के बाद अगर आपको एक दूसरी फील्ड लेनी तो फिर से सेम प्रोसीजर, सॉरी, फिर से सेम प्रोसीजर आएगा। सेम प्रोसीजर क्या है, इनपुट टाइप इजिकल टू डबल कोट चेक बॉक्स डबल कोट क्लोज नेम, सपोज करो यहाँ पे डाल दिया हमने बुक, और इसका टैब क्लोज करके क्या लिख दिया, रीडिंग बुक। ठीक, कोई और बनाना चाहे तो आप, बस सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसी को ले जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कहाँ का आधा कॉपी हो गया क्या, चलो ये लाइन कॉपी करना है अपन को, ऊपर गए कॉपी, नीचे आए पेस्ट, चेक ही रहेगा। जैसे मुझे न्यूज़ के लिए बनाना है तो मैंने लिखा न्यूज़, यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ बस अपना काम खत्म हो गया। तो हमने क्या लगा दिया, BR लगा दिया। अब हम देखते हैं आउटपुट किस तरीके से बनता है। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हॉबी में आ गया वॉच, ये एक से मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं, हम जिस पे चाहें उस पे टिक लगा सकते हैं, ये हमारा हॉबी के लिए हो गया। हॉबी के बाद अगर हम जेंडर की बात करें, अब हमें जेंडर चाहिए तो जेंडर के लिए जो फील्ड हमें चाहिए होती है वो रेडियो बटन चाहिए होता है। रेडियो बटन का मतलब ये है कि अगर चार ऑप्शन है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव का कोई एग्जाम देने जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार ऑप्शन है, चार में से आपको दो से एक सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करना होता है, रेडियो बटन का यूज करना। जैसे हमें ये जेंडर लगा रहा है, हम जेंडर पे गए, जेंडर लगाना था मुझे, सेम प्रोसीजर क्या, इनपुट टाइप, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लगेगा, रेडियो लगेगा, RADIO रेडियो हमने लगाया। इसके बाद इसका होता है नेम, जो भी नेम आप देना चाहें। अब इसमें एक चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी अपन ने क्या कर दिया, जेंडर का ने, उसमें नेम में क्या डाला, JEN डाला। ठीक है, क्लोज किया और यहाँ पे जाके अगर जेंडर मेल है तो मेल लिख दिया मैंने। अब यही सेम चीज़ फीमेल के लिए भी बनानी है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने लिखा इनपुट टाइप इजिकल टू डबल कोट के अंदर क्या आएगा, रेडियो, और नेम में क्या आएगा, जैसे सपोज करो ये मुझे बताना है, अगर मैंने यहाँ पे नेम दूसरा रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, फीमेल कर दिया। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको, मेल आ गया, फीमेल आ गया, बन तो सही गया, मेल पे टिक किया मेल भी हो गया, फीमेल पे टिक किया तो फीमेल भी हो गया। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था अगर मेल पे टिक है तो फीमेल पे टिक नहीं होगा, अगर फीमेल पे टिक करोगे तो मेल का टिक हट जाना चाहिए। तो
उसके लिए इन दोनों का जो नाम आपने लिखा हुआ, ये दोनों का नाम सेम होना जरूरी है। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इस बात को कि जब भी आप रेडियो बटन बना रहे हैं और उसके अंदर जो नेम आप लोग दे रहे हैं, उन दोनों फील्ड का या दो से ज़्यादा जितनी फील्ड आप ले रहे हैं उन सारी फील्ड का नाम सेम होना ज़रूरी होता है। अगर वो नाम सेम नहीं होगा तो आपकी मल्टीपल चॉइस जैसा वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने इसको सेव किया, रन किया, रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार। अब आप देखते हैं, मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही फीमेल पे किया मेल से टिक हट गया हमारा, क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने बोला फाइल अपलोड के लिए कुछ बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या लगता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्या आ जाता है, फाइल नेम जो भी आप डालना चाहें, हमने लिख दिया फाइल अपलोड, डबल कोट क्लोज, ब्रेसेस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्लियर हुआ दोस्तों। ये यहाँ पे अपन ने ओपन नहीं किया, इसको ओपन करो, ये ओके, ठीक, रिफ्रेश करो, ये आ गया, चूज आ गया, चूज फाइल, ये देखिए यहाँ से आप जो भी फाइल अपलोड करना चाहें, जैसे ये करना था मुझे, ये अपलोड हो गया, नाम भी आ गया उसका, ठीक है। यहाँ पर ने बी आर नहीं लगाया इसलिए वो उसी सेम लाइन में दे रहा है, यहाँ पर मैं बी आर लगा देता हूँ। फाइल अपलोड के बाद अगर मैं सबमिट बटन की बात करूँ कि हम कैसे सबमिट या रीसेट बटन बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप डबल इजिकल टू डबल कोट के अंदर अगर हमने क्या लिखा, सबमिट लिखा, सबमिट का मतलब कौन सी बटन बनेगी हमारी, सबमिट वाली बटन बन जाएगी। नेम इजिकल टू सबमिट भी लिख सकते हैं या रजिस्टर लिख दिया हमने, रजिस्टर, और वैल्यू में कुछ डालना चाहें तो वैल्यू और डाल दीजिए, ये मैंने अभी एक बटन बताया, इधर मैं बी आर लगा देता हूँ, लाइन चेंज हो जाएगी। अब मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये देखिए रजिस्टर का आ गया, ठीक। एक मैं रीसेट वाली बटन बताना चाह रहा हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट, रीसेट के लिए कौन सा लगेगा, रीसेट डबल कोट बंद, नेम इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्या लिखा हमने, रीसेट लिखा, डबल कोट को क्लोज किया, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट रीसेट डबल कोट क्लोज ब्रेसेस क्लोज क्लोज, ये हमने बना दिया सिंपल से, रिफ्रेश किया, ये देखिए रजिस्टर रीसेट क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ कोई फील्ड भर दी, इसको रीसेट कर दूंगा, ये सारी की सारी ब्लैंक हो जाएगी, क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप के साथ क्या लगेगा, टेक्स्ट लगेगा। अगर आपको पासवर्ड फील्ड बनानी है तो इनपुट टाइप के साथ क्या लग गया, पासवर्ड लग गया। अगर आपको एड्रेस वगैरह लगाना है तो टेक्स्ट एरिया लगेगा, उसके अंदर रोज और कॉलम्स आएगा, तो ये आप लिख सकते हो। और अगर आपको सिलेक्शन बनाना है कि भाई इतने में से इतने सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट वाला और उनके ऑप्शन लगेगा। अगर आपको चेकबॉक्स बनाना है मल्टीपल फील्ड चेक करने के लिए तो चेकबॉक्स बन जाएगा। अगर आपको जेंडर वगैरह डिसाइड करना है लेकिन उनमें नाम सेम होना चाहिए तो रेडियो बटन लग जाएगा। अगर आपको फाइल अपलोड करना है तो इनपुट टाइप में आपका फाइल आएगा। अगर आपको सबमिट बटन बनानी है तो इनपुट टाइप में सबमिट आएगा। अगर आपको इरेज करना है तो रीसेट है। बटन और भी हो सकती है, इमेज वाली बटन भी बना सकता हूँ मैं, एक बटन और क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये तीन चार प्रकार की इमेज होती हैं। अब फॉर्म को कितना सुंदर बनाना है तो उसके लिए हमने CSS पढ़ा है। जैसे ये अभी इधर दिख रहा है, हमको ये सेंटर में चाहिए था, ये भी आ जाएगा। जैसे ये एडमिशन के बाद अगर अपन, जैसे ये अपन ने एडमिशन फॉर्म लगाया, सिंपल सा एक HR लगा दो। अब कितना डेकोरेट करना है ये आपके ऊपर है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से डेकोरेट हो गया। रोज़ अपन ने 15 लगाई थी, ये कुछ ज़्यादा हो गई हैं, अपन इसको कम करके 5 कर लेते हैं, थोड़ा सा ये पास में आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से चल गया, तो क्लियर हुआ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आप अगर ये रो और कॉलम नहीं लगाएंगे टेक्स्ट एरिया में तब भी ये चलेगा, लेकिन ये फिर डिफ़ॉल्ट एरिया ले जाएगा। उसका जो डिफ़ॉल्ट होगा उतना एरिया में आपका ये एड्रेस वाला ब्लॉक बन जाएगा, बाकी ब्लॉक नहीं। इस वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट लास्ट में डाल देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और
कोशिश करके देखिए अभी सिंपल सा बना के, फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टेबल पे लिख के जाएंगे कि हम टेबल से कैसे बना सकते हैं इसको, टेबल का TRTD टैग का यूज़ करके हम कैसे इसको और सुंदर बना सकते हैं। अभी क्या दिक्कत आ रही है कि आप देख रहे हो किसी का लाइन कहीं जा रहा है, किसी का लाइन कहीं जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये अलाइन वगैरह ये सब सेट हों, अच्छे से डिसाइडेड हों, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल से भी मैं आपको ये बना के बता देता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ आपको लास्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके कोई डाउट हैं या कोई क्वेरी हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, नंबर चैनल के अबाउट में उसमें डला हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का हम जितना हो सकेगा उतना हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।